जीजा, उस दिन तो मौका नहीं मिला था। आज मेरे मांग में सिंदूर भर दो ना। मेरी प्यारी साली जी, जल्दबाजी ना करो ना। भौजी से कह के धूमधाम से शादी करेंगे। जीजा जी, धूमधाम से शादी करने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? तुम यही रहना, अपने घर नहीं जाना। ठीक है जीजा, लेकिन आज से आप मेरे साथ सोओगे। ठीक है, लेकिन भौजी को पता चल गया तो? तो क्या हुआ, हम दोनों कहेंगे कि हमारी शादी करा दो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन भौजी को बुरा लग गया तो? कुछ नहीं होगा, हमेशा भौजी से डरते रहते हो। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, आज से तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। राधा, जाओ जाके किचन में प्याज काटो, आज मीट बनाना है। ठीक है दीदी। देवर जी। जी भौजी। जाओ जाके मीट लेके आओ। देवर जी, सुन रहे हो? देवर जी, आपको ये बहुत पसंद है? हाँ भौजी, बहुत सुंदर है। तो फिर ये तुमको चाहिए क्या भौजी? आपको ये चाहिए? सारे गमा। हाँ नहीं भौजी, नहीं नहीं। आप डरने की कोई जरूरत नहीं, अब इस पे तुम्हारा भी हक है। नहीं भौजी, ये आप क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। जब से तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, तब से तुम मेरे पति हो गए हो। सच में भौजी? हाँ। फिर भैया? भैया जब आएंगे तब देखेंगे, अभी तो तुम हो ना मेरी सैया। भौजी, मैं अब कुछ भी देख सकता हूँ? हाँ, कुछ भी देख सकती हो, सब फ्री है। अब हमारी रतिया।